पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सौभाग्यगंज के रहने वाले मोहम्मद सगीर ने अपने चचेरे साला पर जान से मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है। इस मामले के बारे में बताया गया कि मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सौभाग्यगंज के रहने वाले अलाउद्दीन की पुत्री से उसकी शादी हुई थी और शादी के कुछ साल बाद मोहम्मद सगीर ससुराल में ही रहने लगा था, जिसके बाद मोहम्मद सगीर वहां पर 12 कट्ठा जमीन खरीद लिया और अपना कारोबार कर रहा था। इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों की कामयाबी को देखते हुए चचेरा साला को जलन हो गया, जिसके बाद से उसके द्वारा खरीदे गए मकान को हड़पने की साजिश होने लगी। कई बार इसका विरोध किया गया तो मारपीट भी उसके साथ की गई। घायल मोहम्मद सगीर ने बताया कि सुबह अपने गिट्टी बालू के दुकान पर वो था, तभी उसका चचेरा साला दर्जनों लोगों के साथ उस पर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद रकीब, मोहम्मद नमूल हक, शहाबुद्दीन सहित कई लोगों को वे पहचानते हैं। इस दरमियान कहा गया कि गिट्टी वालों के दुकान में लूटपाट भी की गई और उनका सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया गया। मोहम्मद सगीर ने बताया कि उन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान तो बचा ली, किंतु उसके सामानों की लूटपाट कर ली गई है और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। मोहम्मद सगीर ने बताया कि अगर वो वहां से भागने में सफल नहीं होता तो उसकी हत्या भी की जा सकती थी। सर, सुबह हम गए यहां से दुकान खोले, सर दुकान खोल के बालू का ट्रक आया सर, बालू का गाड़ी खाली हो रहा था तो हम दुकान में बैठे हुए सर, हमको एक लड़का फ़ोन किया जो तुमको उठाने के लिए जा रहा है, जान से मारने के लिए धमकी दिया सर। हम खेत से रपटे सर, देखते 70-80 आदमी आ रहा है, तब सर हम भाग के चले गए सर, छुप गए सर बस बिड्डी के ऊपर में सर, मोटी 1 किलो दूर भाग के गए सर, वहाँ रुके 112 को कॉल किए, 112 आया सर, आने के बाद सारा घटना पूछा सर, पूछने के बावजूद जो है वो बोला जी तुम लोग का ऐसा कर रहे हो, तो सर उसका लगता है गाड़ी अब जला देगा सर, तो हम बोले सर हमको जल्दी लेके चलिए सर थाना सर, या एसपी के सर ले चलिए सर, ना तो ये लोग मार देगा सर। वो लाया वहाँ पे, हम थाना पे बैठे सर, अचानक जो है मेरा डायना सर काम करना बंद कर दिया सर, और जो है धड़क चालू हो गया सर, लगता है मर जाएंगे सर, इसीलिए सर हम यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, कौन मारपीट कर रहा है सर? वो बगल में बालू गिट्टी का दुकान है सर, 3 साल से कर रहा है, उसके बाद जो है वो दुकान जो नहीं चलने के कारण जो है वो इसी विवाद लगा रहा है सर। आपका क्या जगह दुकान है? मेरा बालू गिट्टी का दुकान है। आपका चलता है? जी मेरा चलता है सर, उसका दिन भर बोनी भी नहीं होता, इसीलिए वो सारा भी लगा साला का मर्डर करो तभी सर। 3 तारीख में घटना में सर मेरे बच्ची को रड के बारे में मारा, हम थाना आए तो हमको छोटा दरगाह बोला तुम अपने से मन में करके आए हो सर, उस पर मोबाइल रखा हुआ सर, तो मोबाइल छीन के लेके चले गए मेरे बेटी, मेरा बेटी कॉलेज से आया था परम में सर, उसके बाद सर उसको मारा पीटा सब चीज़ किया, तुम डर के मारे हम रहते हैं सर, वो बोला क्या तुम जहाँ मतलब साले के चूर दो पंचायती करो, हम बोले ठीक है हम पंचायती करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको खेत में मत धान रोपाओ, पंचायती कर लो, अगर उसको मिलता है तो उसको दे दो और हमको मिलता था हमको दे। विवाद क्या चीज़ का? विवाद सर ऐसे कुछ नहीं है सर, जमीन का विवाद है सर। क्या बोलता है वो? बोलता है सर इस साले को मार दो बस जमीन हड़प लो। कौन है वो लोग आपका? वो सर मेरा चचेरा साला सब है सर, मेरा पत्नी का भाई उन्हें है सर, अकेले पत्नी है मेरा। क्या नाम है उन लोगों का? नाम है सर क्या बोलता, इब्राहिम, मोहम्मद सकीम, मोहम्मद रकीम, जमाल जमाल, और बगल में सर एक बना था सर सकीर का, वो बोलता साले को पहले काटो कुट्टी काटो, और बहुत 70-80 को आदमी है सर, सब मिल के आया था सर मारने के लिए। क्या बोलता जमीन मतलब हमको दे दो सर? बोलता जबरदस्ती जमीन हमको दे दो, हम बोले जो कोर्ट का आदेश है वही मानो, और सर हमको नोटिस हुआ था सर शनिवार को जनता दरबार में, हम बोले चलो जनता दरबार में अगर तुमको जमीन मिलता है तुम ले लो, और सर जो जमीन हमको प्रॉपर्टी बेचा था जो आदमी सर, हम उनको बोले जल्दी अब यहाँ पर आओ, कैसा जमीन बेचे तुम बात करो इनसे, तो उसको भी नोटिस हुआ था सर, वो जनता दरबार आने के लिए कल का डेट था सर, वो लोग आज प्लानिंग किया आज इसको मार दो जान से, कल कोई तरह का बात नहीं होगा। आज क्या घटना घटी? आज घटना घटी है सर, दुकान तोड़ भांग कर दिया सर, सीसी कैमरा भी तोड़ दिया, दुकान का चाबी भी ले लिया, और जो सर पैसा रखा था अंदर में वो भी ले लिया सर, अंदर का तोड़ ताड़ कर सब सामान लेके चले गया सर, बाद बाकी सामान गिरा हुआ सर, बोलता उठा लो सब सामान यहाँ से। कितना पैसा सर? दुकान में सर 1 लाख रखा हुआ था सर, बालू खाली कर रहे थे उसमें देने के लिए 1 लाख रखा हुआ था सर। पुलिस गए तब आपकी जान सर? 112 का कॉल किया सर, पुलिस गया तब मेरा जान बचा सर। पुलिस ने आपको यहाँ पहुँचाया? जी सर, मेरा पुलिस हमको यहाँ पहुँचाया। आवेदन दे रहे हैं आप क्या? हाँ सर आवेदन देंगे सर। क्या नाम है? मोहम्मद सगीर। घर कहाँ? घर सर सौभाग्यगंज। कौन रहते हैं? गाँव का क्या नाम है? ससुराल में रहते? जी ससुराल में रहते हैं हम। ससुराल कहाँ है? सौभाग्यगंज। कौन थाना पड़ता है? केहाट मरंगा। घटना कहाँ पे हुआ था? घटना हुआ सर मेरा घर से 1 किलोमीटर दूरी पे दुकान है बालू गिट्टी का मेरा, महेश्वर से पहले कोलासी रोड में। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है, अभी आईटी की क्रांति है।
सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर भट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरा मेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूँ, आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजारिया टाइल्स एवं केरोविट सेनेटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स मार्बल्स उपलब्ध है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सेनेटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, सावर, सावर एक्सक्लोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य इंटरप्राइजेज का काजारिया टाइल्स एवं केरोविट सेनेटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा पूर्णिया।